बीच मैदान में दिनारा के एमएलसी श्री अशोक पांडे जी और उनके साथ सभी सम्मानित अतिथिगण बीच मैदान में एक ऐतिहासिक क्षण, एक ऐसा क्षण जिसे इतिहास के पन्नों में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। बीच मैदान में ऐसे पलों को श्री अशोक पांडे जी के द्वारा, उनके साथ सभी अतिथियों के द्वारा दोनों टीमों के कप्तान एक एक स्ट्रक प्लेयर को भेज दे। स्ट्राइक पर टीम के कप्तान सुनील अंकित पल्ले को, खुशी चैमाल सिंधु गुप्ता के द्वारा हैट्रिक छक्का पर ₹100 का पुरस्कार है। और इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर गई है, वहां एक खिलाड़ी मौजूद रनिंग बिटवीन द विकेट स्टार शानदार थोड़ी सी मिस फील्ड हुई थी और खामिया जा जहां एक रन होना चाहिए वहां बल्लेबाजों ने भागकर दो रन पूरा कर लिया है। डीहरी बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और गेंद को खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। चार विकेट मेरे पर अगली गेंद, इस बार गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले से ना लग रहा था, पैरों से लग कर गई थी। इशारे की प्रतीक्षा बाद में पैट से लेग बाय का इशारा था जेपी के द्वारा। स्कोर बढ़ता हो पहले ओवर की प्रगति पर 8 रन दिए। अगली गेंद आगे निकलकर कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद बैक टू द बॉलर, रिटर्न ड्राइव किया था। अगली गेंद इस बार यॉर्क किया था, गेंद को हल्के हाथों से कलाइयों को मोड़ते हुए खेला था। इस्लामिक बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद, एक और बॉलर शशिकांत। अगली गेंद इस बार गेंद को यह था अपने जहां धड़क में है, गेंद गिरेगी मिड विकेट पर थोड़े खिलाड़ी के हाथों से पीछे। गेंद ऐसा लगा था वहां अंपायर चेक करने के लिए पहुंचे हैं, इशारे की प्रतीक्षा है। दर्शकों से अनुरोध होगा वहां जो आप बाइक पर दर्शक बैठे हैं कृपया आप अपने बाइक को लेकर पीछे चले जाएं। आउट, एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया गया है और एक बहुत बड़ा झटका सलामी बल्लेबाज राजेश साउथ हो चुके हैं, झूला के द्वारा कैच किया गया है। जय बजरंग बली क्रिकेट क्लब ओरी का सेमीफाइनल प्रगति पर। अगली गेंद को खेला है शानदार फॉर फाइव रन ऊपर से सीधा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। गेंद छोटी थी लेकिन शॉट बहुत बड़ा था, उसे घूम कर खेला था फाइव रन के ऊपर से सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे को जाहिर करते हैं, फिर से बल्ला चलाया, गेंदर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं और कोई रन नहीं। इस मकसद आज ही प्रतियोगिता का समापन हो जाएगा। इस बार गेंद बल्ले को छकाते हुए आउट की जोरदार अपील, उत्साह हमें ज्यादा विश्वास नहीं कम अंपायर। फिर से बल्ला चलाया, इस बार गेंद बल्ले फलक में जान हलक में है और वहां पर कैच कर लिया गया है। एक बहुत बड़ी मछली को जाल फंसा लिया गया है, छक्का लगाने वाले बल्लेबाज राजेश आउट हो चुके हैं। इसी ओवर में उन्होंने इस बार फिर से गेंद को खेला था। इंदर पासवान जो कि स्कूल के सचिव हैं कनिता के, उनके द्वारा ₹100 का पुरस्कार। शशिकांत अगर 2 विकेट लेंगे तब उन्हें ₹100, शशिकांत ने 2 विकेट लिया उनके खाते में ₹100 दिए जोड़ दिया गया है। सामना करेंगे सुनील। अगली गेंद फिर से बल्ला चलाया, भोजपुरी में जिसे कहा जाता है आनार लेखा बैट जवाब हमें मिलने वाला है। अगली गेंद किसवा गेंद शॉट ऑन पुल किया है, गेंद लोहड़ा की दिशा में सीमा रेखा से बाहर 1 टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। गेंद छोटी थी उसे शॉट ऑन पुल किया था। विकेट पर ₹500 का पुरस्कार सिपाही जी के द्वारा, हैट्रिक विकेट पर ₹100 का पुरस्कार खुशी जमाल के द्वारा और हैट्रिक विकेट पर ₹200 का पुरस्कार टुनटुन शर्मा के द्वारा, हैट्रिक विकेट पर ₹500 का पुरस्कार समीर आलम के द्वारा है। कहा गलत बोले बताओ टुनटुन। इस बार
गेंद को खेला है कप्तान के बल्ले से, एक छक्का आया है। गेंद को स्वीप करने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद को ड्राइव किया है, दो रन। जो कि बैरी के निवासी हैं, एक बार फिर से वाइड बॉल। आउट की फिर से अपील, लेकिन बार फिर से गेंद को खेला है लेग साइड की दिशा में, दो रन। टोटल स्कोर 40 रन, माफ कीजिएगा 41 रन। फिरोज, मनु, धनंजय, विद्यासागर, मोहम्मद अनीस, असलम, फरियाज, प्रीत, सुनील जी, बड़का गांव। इस बड़का गांव का अनुभवी प्लेयर और घंटा भी लगातार मैच, कल दो को जीता, आज सेमीफाइनल के सुहाना बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफर, सेवन, सुनील क्या बात है। धन्यवाद गेंदबाज, 50 रन। इसी के साथ बड़का गांव का स्कोर फिर क्या है। लॉन्ग ऑफर गेंद को खेला था, कितने रन अंपायर, अंपायर कितने रन, 4 रन। अगली गेंद इस बार फिर से फील्डर के तरफ से है, गेंद स्क्वायर में ऊपर चली सीमा रेखा से बाहर छोड़ने के लिए। कप्तान चला है सीना तान और कप्तान के द्वारा कप्तानी पारी, इस बड़े मुकाबले में बड़ा पहुंचाता हुआ सुनील के द्वारा। सुनील कहा जाए तो इस पारी में मैच के सारे फॉर्मूला को लगाते हुए अपनी टीम के नीले को पार लगाने का प्रयास करते हुए। अगली गेंद फिर से कहते बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ, ऑफ स्टंप के बाहर फुलर रेंज की डिलीवरी थी, उसे गेंद को पड़ा भी और छक्का जड़ा है कप्तान ने। हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार। इसे फिर से बल्ला चलाया और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। फिर से लेग स्टंप के बाहर अंपायर की प्रतीक्षा, ऐसा लग रहा है इस टीम। अगली गेंद इस पर बीमर किया है, नो बॉल, बीमर थी, इसे क्रिकेट की भाषा में बीमर कहा जाता है, जानलेवा गेंद कही जाती है, लेकिन ये टेनिस बॉल है जिससे खतरा नहीं हुआ और अगली गेंद बल्लेबाज को लाइसेंस मिली है। लेकिन फिर से लेग स्टंप के बाहर अली की कहा जाए तो खराब गेंदबाजी, अब तक अभी भी फ्री हिट गेंद बरकरार है बल्लेबाज सुनील के लिए। इस बार गेंद के ये फलक में गिरेगी सीमा रेखा से बाहर, आज ये पर मंत्रालय के लिए 46 पर पहुंच गए हैं टीम के कप्तान सुनील कुमार बड़का गांव के लिए। कप्तान के द्वारा कप्तानी पारी और कप्तान चला है सीना तान अपनी टीम के लिए। चली और गेंद सीमा रेखा से बाहर छोड़ने के लिए।
लगातार बंद मैं सीढ़ी से निवेदन करूंगा, पल्ला दिखाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें और दर्शक जोरदार ताली बजाए इस बार सुनील के लिए। गजब की बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी और कहा जाए तो नई टीम ने चार थाने चित कर दिया है। इस बार फिर से फिल्टर के टीम का समाहार चार रन। ऐसा लग रहा है कि अली अपनी टीम को हराने के लिए आए हैं जो पांच ओवर में नहीं निकले को मिले थे इस ओवर में। चारों थाने अली को चित कर दिया है सुनील ने इस ओवर में। पहले दो बड़े बड़े छक्के और अभी अभी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक चौका आया है। चौके के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन। स्कोरर मनु की जितनी तारीफ की जाए उतना कम होगा। बहुत बढ़िया स्कोरिंग इस करने की सबसे बाहर है। व्हाइट बॉल अभी भी गेंद सलामत है इस ओवर में। अब तक इस ओवर से 25 रन आए हैं। अब तक इस प्रतियोगिता का सबसे खराब ओवर अली के द्वारा गुजरता हुआ। अगर फिर से लगी संग बाहर 36 रन इस ओवर से। अगर खानी का अगली गेंद बल्लेबाज को लाइसेंस मिली है, खुलकर खेलने की आजादी मिली है, जाइए और इंडिया घूम कर आइए। अली टीम के जिन्होंने कल अच्छी बल्लेबाजी की थी बखूबी निभा रहे हैं। अली के गेंद कहा जाए तो मिले स्लॉट में और उससे भेजा दूसरे प्लॉट में गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। मैं निवेदन करूंगा कप्तान के लिए जोरदार ताली सुनील सर। सारे अलजेबरा रियल नंबर पॉलिनोमियल सारे सूत्र लगा दिए और सामने वाली टीम को चारों थाने चित कर दिया है और बड़का गांव ने खानिका के सामने 98 रनों का लक्ष्य रखा है।